तो छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां महारानी कॉलेज में अब नतीजे आ चुके हैं। छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। महारानी कॉलेज से नतीजे घोषित हुए हैं। अध्यक्ष पद पर मानसी वर्मा विजयी हुई है। उपाध्यक्ष पद पर कपिशा की जीत हुई है। महारानी कॉलेज के सीधे नतीजे जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महासचिव पद पर ज्योति राठौड़ ने अपनी जीत दर्ज की है। तो अब नतीजे आने का दौर चालू हो गया है छात्र संघ चुनाव को लेकर। वहीं संयुक्त सचिव पद पर शहनाज बानो निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। महारानी कॉलेज के नतीजे हैं जो इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अध्यक्ष पद पर मानसी वर्मा विजयी हुई हैं। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर भी परिणाम घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें, महाराजा कॉलेज के भी परिणाम घोषित हो गए हैं। संदीप गुर्जर अध्यक्ष पद पे जीत चुके हैं। कॉमर्स कॉलेज से आदित्य शर्मा अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान कॉलेज से लक्षराज सिंह चुड़ावत अध्यक्ष बन गए हैं। महारानी कॉलेज में मानसी वर्मा ने अध्यक्ष पद पर अपनी जीत दर्ज की है। तो अब लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर परिणामों का दौर जारी हो गया है और महाराजा कॉलेज से जयपुर में संदीप गुर्जर ने अध्यक्ष पद पर अपनी जीत दर्ज की है। राजस्थान छात्र संघ चुनाव को लेकर परिणाम अब आने लग गए हैं और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हनुमंत सिंह चारण। हनुमंत, अब चुनाव के जो परिणाम है वो सामने आने लगे हैं, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल सौरभ, राजस्थान छात्र संघ के चुनाव है, उसके परिणाम सुबह से ही सामने आने लगे हैं। 10 बजे मतगणना शुरू हुई थी। महारानी कॉलेज के भी नतीजे घोषित किए गए। महारानी कॉलेज के अध्यक्ष पद पर मानसी वर्मा, उपाध्यक्ष पद पर कपिशा, वहीं महासचिव पद पर जो है ज्योति राठौड़ निर्वाचित की गई है। वहीं संयुक्त सचिव पर शहनाज बानो, जिनकी पहला ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था एक ही आवेदन आने के चलते। अच्छा, महारानी कॉलेज का पूरी तरीके से पैनल है वो विजयी घोषित किया जा चुका है और अभी प्रत्याशी जो है विजयी व्यक्ति के साथ यहाँ पर अपने सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं।
हनुमान दास जी महारानी कॉलेज में उनको शपथ दिलाई गई है, उसके बाद अभी वो गेट के बाहर खड़े हैं और वहां पर जो उनके समर्थक है वो उनके विजय की बधाई दे रहे हैं। हनुमंत आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय तीनों ने अपनी पूरी जीत का दम भरा था, तो ऐसे में किसने अपनी बढ़त बनाई है और कौन खरा उतरा है? देखो अभी जो एपेक्स पद के राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम आएंगे क्योंकि उसी में ही ये कहीं न कहीं पैनल के विचार सामने होते, तो अभी तक ये तस्वीर साफ, लेकिन कहीं न कहीं ये संगठित कॉलेजों के परिणाम सामने आने लगे हैं। इसमें अलग अलग प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। राजस्थान कॉलेज के परीक्षा परिणाम की तस्वीर कुछ देर बाद में साफ होगी, तभी पता चल जाएगा शाम तक कि आज के छात्र संघ के चुनाव के परिणाम में एबीवीपी एनएसयू में से कौन भारी रहा है। धन्यवाद हनुमंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो चुनाव परिणाम है उनका दौर चालू हो गया है, लगातार चुनाव परिणाम आ रहे हैं और काफी मेहनत के बाद आज फल मिलेगा सभी प्रत्याशियों को अपनी मेहनत का। कॉमर्स कॉलेज में आदित्य शर्मा ने अध्यक्ष पद पर अपनी जीत दर्ज की है। आपको बता दें राजस्थान कॉलेज में लक्षराज सिंह चुड़ावत अध्यक्ष बन चुके हैं, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। महारानी कॉलेज से मानसी वर्मा अध्यक्ष पद पर चुनी गई हैं। लगातार सीधा कवरेज और सीधे चुनाव परिणाम लाइव आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां महाराजा कॉलेज में जयपुर में संदीप गुर्जर ने अध्यक्ष पद पर अपनी जीत दर्ज की है। कॉमर्स कॉलेज से आदित्य शर्मा अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं।